नमस्कार, नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। सब्जी को मैं सहजन की फली और मूंगदाल की बड़ी से बनाऊँगी। डोमेस्टिक और मूंगदाल बड़ी की सब्जी, इसको बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम में फली को लेकर के अच्छी तरह धोकर और इसके छिलके हटा कर के और छोटे टुकड़ों में काट लिया। आधा कप मूंग दाल बड़ी, एक कप के करीब मसाला है पिसा हुआ, इसमें दो छोटे टमाटर, एक छोटी प्याज, दो हरी मिर्ची, पांच छह लहसुन और चौथा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने पीस करके ले लिया है। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा लिया है मैंने 1/2 चम्मच और सूखी लाल मिर्ची है 2 और मुझे थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया लगेगा 1/2 चम्मच गरम मसाला। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल बड़ी और सहजन की फली की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 7-8 चम्मच तेल ले लिया है, इसको गरम कर लिया है। सबसे पहले हम बड़ी डाल करके इसको तल लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक तलेंगे इसको। अब हम बड़ियों को निकाल देंगे। जीरा डाल दें, प्याज टमाटर के मसाले को 3-4 मिनट भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, इसमें तेल अलग होने लगा है। अब मैं सभी मसाले डाल देती हूँ इसमें, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इन्हें भी थोड़ी देर भून लूँगी। मसाले डालकर भी मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें बड़ी डाल देती हूँ, टमाटर, फली, नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे कुछ देर इसी तरह से भूनने दूंगी। सहजन की फली और बड़ी को मसाले के साथ में भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। ग्रेवी आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। मिक्स कर दूंगी और इसे ढक कर के 5 मिनट तक पकने दूंगी। सब्जी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए। फली भी पक करके सॉफ्ट हो गई है और बड़ी भी सॉफ्ट हो गई है। मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ और गरम मसाला और एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे सर्व कर लेती हूँ। सहजन की फली और मूंग दाल बड़ी की सब्जी बन करके तैयार है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप भी इसे बनाइए, खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।